हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज भी मेरी तबीयत जो है ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, और मतलब ज़्यादा ही वीकनेस लग रही है। उठने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है मेरे से। हालांकि ध्यान बहुत रख रहे हैं मम्मी और भाभी, लेकिन फिर भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब चला तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है मेरे से। आज फिर से डॉक्टर के पास जाना है मुझे चेकअप के लिए। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, आज भी ड्रिप लगाते हैं या वैसे ही मुझे मेडिसिन वगैरह देख के वापस भेज देते हैं। पर यह है कि दिन में थोड़ा बेटर फील करती हूँ, और सुबह शाम तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पिछली रात पूरी रात नहीं सो पाई मैं बिल्कुल भी, मतलब इतना बॉडी पेन हो रहा था और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मम्मी ने थोड़ी बहुत मालिश करी रात को, तो सुबह के टाइम में थोड़ी सी नींद आई मुझे। और ये पता नहीं गले में भी इन्फेक्शन है थोड़ा यहाँ पे, ये भी आज डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। चलिए देखते हैं, अभी मुझे थोड़ी देर में तैयार भी होना जाना है, तो शावर वगैरह लूँगी उसके लिए। अब मेरा डेजू वहाँ बैठा हुआ है, उसको देख के वैसे ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे। हाय दिया, स्कूल जा रहा है ना, तैयार हो गया? और अभी सक्षम भी स्कूल चला गया है, उसकी भी बस पास में ही आती है यहाँ पे। और बाकी सब लोग भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, और मेरा तो बस आजकल एक ही काम है, लेटे रहती हूँ बेड पे। यहाँ पे भैया भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है, बस वो भी पूजा वगैरह करके अपना स्कूल के लिए निकल जाएगा। आज मौसम ना हल्के हल्के बादल थे मौसम में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, और मुझे तो लेटे लेटे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पे ना फ्रेश पानी आता है सुबह सुबह, तो यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा पानी लेना बहुत अच्छा लगता है। बस भैया ने भी देखिए पूजा वगैरह कर लिया, और यहाँ पे ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, इसके पीछे भाई की गाड़ी खड़ी रहती है, ये गाड़ी की पार्किंग है यहाँ पे, और सामने मेरी स्कूटी खड़ी रहती है। भैया की बाइक है वो पीछे की साइड लगाते हैं उसको वो, क्योंकि आजकल मेरी स्कूटी ने उनकी पार्किंग रोक के रखी हुई है। और आज ना मम्मी मेरे साथ जा रही हैं, क्योंकि मम्मी को भी अपना चेकअप करवाना है, उनका बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो हम भी भैया के साथ ही निकल जाएंगे गाड़ी में, वो हमें रास्ते में छोड़ देगा। तो मैंने तो शावर ले लिया था, हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी शावर लेने की, लेकिन फिर भी जाना था हॉस्पिटल, और काफ़ी टाइम लग जाता है हॉस्पिटल में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से शावर लेके पहले और फिर नाश्ता वगैरह भी कर लेती हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि दवाई भी खानी है, खाने की तो वैसे इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है शरीर में। बस मैं धीरे धीरे तैयार हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ही शावर ले लिया था मम्मी से भी पहले, और उसके बाद मम्मी ने शावर लिया, फिर हम तैयार हो गए और भाई के साथ ही फिर गाड़ी में निकल गए थे हम लोग। लेकिन देखिए कंघी करने में भी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मतलब मैं बैठ जा रही थी फिर खड़े होकर कंघी कर रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी उस दिन। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब जोर लगाना पड़ता है ना बोलने के लिए, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर करके आप तक जो है अपने व्लॉग पहुँचाऊँ। तो मुझे और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। और बस थोड़ी देर बाद ही हम ज्वालाजी भी पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पे वो हॉस्पिटल है। और बस ये देखिए, ये ज्वालाजी मार्केट है, और अब तो ना बहुत बड़ी मार्केट हो गई है, यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप बाहर से आते हो तो बाहर के लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा है। काफ़ी अच्छे अच्छे रहने के लिए, मतलब आपको होटल मिल जाएंगे, यहाँ पे माता के मंदिर जाने का रास्ता है, और मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आपको फ्रूट वगैरह सब कुछ आराम से यहाँ पे मिल जाए।
और आप ना आराम से यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, धर्मशाला भी है यहाँ पे, सस्ते से सस्ता भी आपको रहने के अरेंजमेंट हो जाएंगे, महंगे से महंगा भी, और काफ़ी मतलब काफ़ी फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के आसपास आपको महंगा ही मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा। और बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बिल्कुल माता का जो मंदिर है ना गेट, उसके पास ही साथ में बस स्टैंड है, और उसके राइट साइड में है टैक्सी स्टैंड, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अगर किसी को आना होना तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप बाय बस भी यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और अगर आप टैक्सी या अपने व्हीकल से आते हो तो भी बहुत आराम से आपको यहाँ पे ना पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि मंदिर की तरफ से भी स्पेशल यहाँ पे पार्किंग की गई है, सुविधा है पार्किंग की, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में ही है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल जो भी है उसको पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद में और मम्मी पहुँच गए थे हॉस्पिटल, जब हम पहुँचे थे ना तो तकरीबन 9:45 का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम तक देखिए बिल्कुल भी हॉस्पिटल में कोई नहीं था, मैं और मम्मी थे, और हमारे से पहले एक दो पेशेंट और आके बैठे हुए थे, बस वही थे। और जैसे ही 9:45 बज गए उस टाइम पे, तो बस पूरा रूम जो है वो भर गया था, काफ़ी बड़ा हॉल है ये बैठने के लिए। और 9:15 जो है डॉक्टर आ गए थे, उसके बाद 2-3 जो पेशेंट मेरे से पहले बैठे हुए थे, उसके बाद मेरा भी नंबर आ गया था, और फिर उसके बाद मेरा चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन हाँ 1000 मेरे जो है प्लेटलेट बढ़ गए हैं, मतलब पहले 75 थे, अब 76 हो गए हैं 1000। तो फिर मुझे ड्रिप लगाया था और ब्लड सैंपल वगैरह लेके गए थे, तो ये मुझे यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है, और एक छोटा सा बच्चा मेरे बाजू में, उसको भी बुखार, काफ़ी बुखार था उसको, 102 और 103 के बीच में उसको बुखार था, मतलब ठंडे पानी की पट्टियाँ उसको रख रहे थे, काफ़ी सारे लोग थे आज, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी उस टाइम पे। अभी मम्मी गई हैं डॉक्टर से दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि जो मेरी ड्रिप थी ना वो चली नहीं रही थी बिल्कुल भी, उसको हिला हिला के चलाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, पूरे बाजू मेरी ब्लैक भी हो गई थी, और दूसरे हाथ में पहले ट्राई किया था, तो पहले उसमें लगाई ड्रिप, उसमें लगी नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा खून भी जो है गाढ़ा हो गया, फिर उन्होंने बाजू में लगाई तो भी चल नहीं रहा था, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। और बस जैसे ही हमारी रिपोर्ट वगैरह आई, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिख के दी, उसके बाद मैं और मम्मी जी आ गए थे वापस घर पे, और ये शाम का टाइम है तो यहाँ पे मैं फ्रूट बैठ के खा रही हूँ, वो भी मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से मैं बैठ पा रही थी, क्योंकि कमर में और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस इतना छोटा सा मेरा ब्लॉग है, इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, और बेल को ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ, तो चलिए करती हूँ व्लॉग का एंड, बाय बाय, थैंक यू।